राजकुमार जय सिंह। कहाँ से? इंदौर। इंदौर में कहाँ? अपना नंदा नगर। नंदा नगर? अरे केलाज जी का घर का आएगा अपना घर। इंदौर की फेमस जगह आपके हिसाब से? भैया यार इंदौर फेमस तुम्हें जगह कहाँ फेमस बताए हम है? सबसे पहले तो हमारा कॉलेज भैया श्री गोविंद राम शेख सरिया गोविंद राम, ठीक है, राजवाड़ा सराफा छप्पन और क्या चाहिए तुमको, छप्पन ले लो, उधर चले जाओ अन्नपूर्णा बड़ा गणपति रुजासन हो गया और क्या, बहुत घूमो तुम। इंदौर की फेमस खाने पीने की चीज़ आपके हिसाब से? सिकंजी भैया, पोहे जलेबी वर्ल्ड फेमस। मैं क्या बात कर दी यार तुमने, बोल दिया आदमी जी जाएगा बिना दिल के बिना सेव का तुम पोहे। देखो भैया ये बदनामी है, पोहे सेव का साथ नहीं खाते भैया, उसमें चाहिए रहता है कोथमीर नी जीरावन, उसके बिना अपना पोहा पोहा नहीं रहता साहब। देखो क्या है ना बड़े इंदौरी ऐसी भाषा है, इंदौरी कोई लोकल लैंग्वेज नहीं, इंदौरी एक भाषा है, समझ रहे हो ना, जैसे हिंदी होती है, स्पेनिश होती है, इंडियन होती है, वैसे इंदौरी एक भाषा है अपने आप में। इंदौरी देखो साहब, इंदौरी ऐसी है जैसे हिंदी में क्या होता है ए ए और उसके आगे हिंदी में ए, अब जैसे बोला क्यों भैया तुम गाड़ी ले ए, क्या बड़ा उड़ के आ जा ए, अरे भैया तुमने प्लेन ले लिया ए, और इंदौर में साहब आदमी का सपने, छोटा बच्चा उससे पूछ लो क्या करना, बाहर गांव का होगा बोलेगा डॉक्टर इंजीनियर नहीं ये ना वो, इंदौर में बच्चा एक काम बोलता साहब, बोला अपनी बीबी होगी एक और लफड़े होंगे चार, हेलीकॉप्टर होगा पोर्च में नहीं बेडरूम में कार। इंदौर को राष्ट्रीय भाषा कर देना चाहिए। बिल्कुल यार भैया यार वो क्या है नहीं, अभी मोदी मामा से अपन ने बात करिए तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कोई बड़ी। और बाकी इंदौर की आपको एक बहुत बड़ी खासियत बताएं, इंदौर में आदमी लफाज बहुत बड़ा होता है। कैसी बात कर दी यार तुम लोग, अब लफाज क्या, अरे डायलॉग क्या अभी, हाँ देखो तुम सीधा साफ करो, नहीं तो एक दिन नहीं तुम्हारे नीचे तो अंडे बंडे हो गए, इधर उधर लिपचा हो जाओ, समझ रहे हो ना,